आपके साथ ऐसा हादसा हुआ था कि सोच और आंखें उधर ही रह गई? आप जैसी एक लड़की थी। दोस्त बुलाते थे मुझे बाहर, तो दोस्तों के पास जाता था मैं, चुप चुप रहता था, बातचीत नहीं करता था। उनको पता तो होता था लेकिन मुझे मजाक करते थे क्योंकि वो मुझे रोकते थे। मुलाकातें की थी 3 साल से? मुलाकात तो देखने वाली तो रोज ही होती थी। तो मैं यहाँ पे काम करता रहता था लेकिन इधर मेरा ध्यान नहीं होता था, ध्यान मेरा उस तरफ उधर ही होता था। कभी मतलब चोट वोट नहीं लगी? कभी भी नहीं लगी, पहले लगती थी जब मैं आंखों पे पट्टी नहीं बांधता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद दोनों चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कमल अमानत। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक ऐसे आशिक से जिसके दो नाम वायरल है, एक ये कि इकबाल गंडेरिया वाला और दूसरा नाम इनका वायरल है प्यार से मारा जानू। और ये सोशल मीडिया पे वायरल है कि इन्होंने एक लड़की से प्यार किया, उसने न जाने क्या, मतलब ये कि इनका प्यार थोड़ा चल नहीं पाया, पहले वो इसकी दोस्त थी और अब नहीं है, और उसी के जो है वो आप कह सकते हैं कि गम में आके इन्होंने आंखें बंद करके जो है वो गन्नों को, शुगर केन को छीनना और काटना शुरू किया। आंखें बंद करके इनसे पूछते हैं कि कभी ये डर नहीं लगा कि हत्ता जो खून निकला है तो की होएगा? मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक। हाल साहब की ये कुछ नहीं। ये मतलब ये कि आंखें बंद करके आप काट भी रहे हैं, छील भी रहे हैं गन्ने को, कहाँ से आइडिया आया, कैसे हो गया ये सब? बस कुछ मसला बना था कि मैं यहाँ पे काम करता रहता था लेकिन मेरी सोच उधर रहती थी। सोच उधर रहती थी तो मैंने सोचा कि सोच तो मैं उधर ही रहता हूँ, आंखें भी उधर रखता हूँ लेकिन मैं जो फिर मैंने आंखों पर पट्टी बांध के छीलने शुरू किए तो सही से नहीं लगा कभी भी डर। क्या आपके साथ ऐसा हादसा हुआ था कि सोच और आंखें उधर ही रह गई? बस आप जैसी एक लड़की थी। मेरे जैसी एक लड़की थी? अब ये ना कह देना मैं ही थी। नहीं आप नहीं थी लेकिन आपके जैसी थी। उसके साथ मेरी दोस्ती हुई, फिर और दोस्ती भी उसकी तरफ से ही हुई थी, उसने मुझे प्रपोज किया था दोस्ती के लिए भी। मैं इन्हें आपको प्रपोज किया? जी मुझे। सच्ची? मेरी जैसी थी? तुम्हें यकीन नहीं होता? हो सकता है। चलें जी मैंने किया होगा लेकिन वैसे उसने प्रपोज किया, फिर उसने कहा कि मेरे साथ दोस्ती करो, फिर? तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लूँगा। उसने कहा दोस्ती के साथ साथ मैंने तुम्हारे साथ शादी भी करवानी है, फिर? मैंने कहा ये बात मैं सोच के बताऊँगा आपको। तो मैं 4-5 दिन तक सोचता रहूँ, सोचने के बाद जब मैं उसके पास गया वो मुझे मिली नहीं है, जब मिली नहीं है तो मुझे टेंशन होने लगी। तो जब मैं कभी उसको देखा? हाँ उसको देखा तो कह रहे हो ना आपके जैसे, आपके जैसे। 3 साल तक हमारी रिलेशन चला है। तो 3 साल तक रिलेशन रहा? हाँ रहा है। फिर क्या हुआ? दोस्ती होगी, मैंने हाँ कर दी, शादी के लिए भी कर दी, दोस्ती के लिए भी कर दी। जब 3 साल तक वो मेरे साथ बातचीत करती रही है तो 3 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उससे छोड़ कर लाहौर आना पड़ा। क्या हो गया? बस दोस्ती कहाँ हुई थी? मेरी किस लड़की के साथ ही हुई थी। कहाँ हुई थी? उधर ही हुई थी जहाँ जज, वो मैं नहीं बता सकता। वो नहीं बता सकते। फिर आप लाहौर आ गए? हाँ लाहौर आ गया। लाहौर आ गए, फिर आपकी यादें, नज़रें, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ ही जो है वो इकबाल साहब का उधर। मैं लाहौर पहले भी ये काम करता था लेकिन मैं आंखों पर पट्टी बांध के ये नहीं करता था। जब मैं उससे उसने मुझे छोड़ा तो मैं गाँव में परेशान रहता था, तो दोस्त बुलाते थे मुझे बाहर, तो दोस्तों के पास जाता था मैं चुप चुप रहता था, बातचीत नहीं करता था। तो वो मुझे पूछते थे क्या हुआ है, उनको पता तो होता था लेकिन मुझे मजाक करते थे क्योंकि वो मुझे रोकते थे, कहते थे कि लड़कियां जो होती हैं बेवफा होती हैं, तो आप इतना प्यार ना उससे किया करो, जब भी देखते हैं आप उससे बात किए करते रहते हो, उसके पास चले जाते हो। जब उसने छोड़ा तो वो मुझे मजाक करते थे। मैंने उनके पास भी नहीं रहा, मैं लाहौर आ गया काम करता था लेकिन मैं उनकी मुलाकातें याद आती थी मुझे, मैं काम इधर करता था। मुलाकातें की थी 3 साल में? मुलाकात तो देखने वाली तो रोज ही होती थी। मुलाकातों की एंड हो गई थी? नहीं एंड वाली बात नहीं, मुलाकात करते थे लेकिन वो जो है मुझे याद आती थी वो। तो मैं यहाँ पे काम करता रहता था लेकिन इधर मेरा ध्यान नहीं होता था, ध्यान मेरा उस तरफ उधर ही होता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना ध्यान उधर चले गया कस्टमर को खंडेरियाँ पकड़ा दी, पैसे नहीं लिए? काफ़ी दफ़ा हुआ। काफ़ी दफ़ा ऐसे? हाँ कस्टमर खुद कह देते थे कि आपने पैसे नहीं लेने। पैसे तो ले ज़बरदस्त हो गया। अच्छा तो आप देखिए, आप यहाँ पे आंखें बंद करके देते हैं, जब कस्टमर्स आते हैं उनके सामने भी आंखें बंद करके देते हैं? नहीं कस्टमर आते हैं, मैं ज़्यादातर तो वैसे जब वीडियो बनानी होती है तब मैं आंखों पर पट्टी बांधता हूँ। कभी गुस्सा आया हो मुझे उसकी याद आई हो तो जब आपकी वीडियो देखी मैंने कहा पता नहीं ये कैसा बंदा है, इस रात को सोते हुए लगता है आंखें बंद करके गंडेरिया खाड़ता होगा, मुझे नहीं पता था कि इसमें लड़की का चक्कर है। अच्छा मुझे ये बताएं कि वीडियो आपकी किसने बनाई? मेरा एक दोस्त है वो इधर ही है, मैं आपको दिखा दूँगा। वाला आइडिया किसने दिया? मेरे दोस्त ने कहा था क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा यहाँ पर आँखों पर पट्टी बांध के गन्ने छीलता था, तो वो कहता यार तुम टिकटॉक वगैरह बनाया करें, आप वायरल होंगे। तो मैंने कहा चलें बना दो, उसने बनाया तो मेरी वीडियो
सही चली तो दिनों में वायरल। मैंने रात को बनाई है, दिन सुबह बनाई है, रात को वायरल हो गई। वाह जी वाह, जबरदस्त। मतलब मुंडा जड़ा ना 12 घंटे के बीच वायरल जी, बहुत वायरल जबरदस्त हो गया। अभी हम जो है वो इनसे ना आंखें बंद करके जो गन्ने छीलते हैं ना लाइव आपको दिखाएंगे क्या किस तरीके से ये छीलते हैं, किस तरीके से मतलब काटते हैं ईच एंड एवरीथिंग। अब तो आप इतने वायरल हो गए हैं, मीडिया वाले आपके पास आ रहे हैं, तो वो लड़की आपने उसने आपसे रब्ता नहीं किया फिर कि आप तो उसका जानू वायरल हो गया? नहीं, उसने तो रब्ता नहीं किया, लेकिन उसकी दोस्तें जो है मेरे साथ रब्ता कर रही है, कहती है कि वो प्यारी है। मैं उसको नहीं कहता, लेकिन वो कहती है कि वो आपको आपके साथ दोबारा रिलेशन में आना चाहती है, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं। एक ही दफ़ा होता है, एक ही दफ़ा तो हो गया, हो गया। अब मैंने कहा कि वो अगर आ भी जाएगी तो पहले वाली जो बात है वो कभी भी नहीं होगी, नहीं होगी। तो अच्छा फिर शादी किसे करती है? शादी किसी और लड़की से। अच्छा बंद करके प्यास काट दी होगी? नहीं, वो माँ बाप की मर्जी से शादी करेंगे। माँ बाप की मर्जी, आप दिल टूट गया? हाँ दिल टूट गया। अच्छा अब जब आप इतने वायरल हो गए हैं, मसरूफ भी रहने लग गए हैं, अभी भी उसकी उतनी यादें आती हैं कि थोड़ा कम? याद तो बहुत आती है, अब अगर आप आते हो तो मुझे ज़्यादा याद आती है, अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। मैं चल लिया भाई। एनीवेज मुझे ये बताएं कि ये जो आप मैं गंडेरी का शॉपर देख रही हूँ, इसको आप कितने सेकंड्स में तैयार कर लेते हैं आंखें बंद कर? ये कम टाइम का कभी आइडिया नहीं लगाया, लेकिन मैं आज हम टाइम भी नोट करेंगे, फिर हम एक नया ट्रेंड होगा कि इतने सेकंड में इस लड़के ने इकबाल ने इतनी सारी गंडेरी। ट्रेंड आपने आंखों पे पट्टी बता लेना, लेकिन जो आंखों पे पट्टी बांध के जो है उसका मुझे आइडिया नहीं है, आंखों पे पट्टी उतार के जो है मैं हम दोनों करेंगे, दोनों कर लें। हाँ हम देखते हैं, फिर बाद में थोड़ी सी और भी इनसे डिस्कशन करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। हाँ करेंगे। इन्होंने आंखों के साथ साथ मुंह भी अपना बंद कर लिया है, मुंह तो दिखा दे, मैं कैसे पता चलेगा इकबाल है? डाकू लग रहे हैं आपके कैमरे के सामने काम कर रहे हैं। कितने हैं? किधर? नाजिन इनको नजर नहीं आ रहा बिल्कुल भी। चलें जी काटना शुरू करें, छीलना शुरू करें। अच्छा जी, तो इन्होंने पहले साफ किया है और उसके बाद ओ माय गॉड। नाजिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कोई ऐसे भी कर सकता है। मैंने कैमरे में तो बहुत दफ़ा देखा था, लेकिन लाइव मैं पहली दफ़ा देख रही हूँ। मतलब स्पीड क्या कमाल, सुपर अमेजिंग। अब हम देखेंगे ये पूरा छील पाते हैं कि नहीं छील पाते। वाह 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 वाह, लड़का आंखें बंद करके। अच्छा उसका मुंह भी ना मेरी तरफ है, वो तो देख भी नहीं रहा, अगर उसको नजर आ भी रहा होता तो कैसे नजर आता। एंड भाई टैलेंट है, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, वखरी गाले कोई सराहदा नहीं है, हम आ गए सराहने। कभी मतलब चोट वोट नहीं लगी? कभी भी नहीं लगी, पहले लगती थी जब मैं आंखों पे पट्टी नहीं बांधता था। आंखों पे पट्टी बांध के चोट नहीं लगती? आंखों पे पट्टी बांध के चोट नहीं लगती। कभी आपने टाइम नहीं नोट किया कि आप आंखें बंद करके कितने मिनट में ये छील लेते हैं? आंखें बंद करके मैंने कभी भी नोट नहीं किया, वैसे भी मैंने नोट कभी नहीं किया अभी मैं कितने टाइम में छील सकता हूँ काट सकता हूँ। अब इसको काटते भी आंखें बंद करके है कि सिर्फ छीलते हैं? काटता भी हूँ। काटते भी आंखें बंद करके है? हाँ भाई वाह। और मेरी आंखें पहले आधी खुली हुई थी, अब पूरी खुल गई हैं। वाओ वेल डन, सुपर। पट्टी नीचे कर सकते हैं अब आप। कोई फर्क पड़ा है जब से आप आंखें बंद करके जो है वो ये काटने लगे हैं, छीलने लगे हैं? फर्क पड़ा है कि पहले कम सेल होती थी, अब ज्यादा? अभी ज्यादा सेल होती है। कोई किसी कस्टमर आया उसके बाद आपकी वीडियो के बाद भी, हमने आपकी वीडियो देखी, हम आपके फैन हो गए, सेल्फी ले? काफी तो वैसे भी बाद लगा के चले जाते, क्योंकि मेरा नाम ज्यादा जो है ना प्यार का मारा जानू मशहूर हुआ है। लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके से लड़कों को छोड़ के जाती हैं और जब वो किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं तो दोबारा से प्रपोजल्स पे? हाँ पहले तो जो है ना जिस लड़के के पास कुछ नहीं होता तो उसके साथ तो जो लड़का कहे भी मेरे साथ दोस्ती करो तो लड़की कहती हैं जाओ अपना काम करो, जब लड़के के पास कुछ होता है लड़कियाँ खुद कहती हैं मेरे साथ दोस्ती करोगे, तो जब लड़का कर लेता है दिल लगी होती है तब वो तब उस मुकाम से जाके छोड़ती हैं, जब इंसान खुद उनकी तरफ खींचा जा सकता है। तो अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वाले नाज़रीन को और अपने फैंस को? मैं यही कहूँगा कि प्यार तो करना ही नहीं चाहिए, लड़की जो भी कर लें उनके साथ दोस्ती नहीं करना, अगर की है तो दिल नहीं लगाना।
जबरदस्त हो गया जी। बिल्कुल नाजिन, ये हमारे साथ मौजूद है इकबाल साहब, जिनका जो है वो नाम वायरल है प्यार दा मारा। वाकई प्यार के ये ऐसे मारे हुए कि इन्होंने आंखें बंद करके गंडेरियां और जो मेरे हाथ में आपको नजर आ रही है वो छीना छू। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके पीछे एक इतनी कहानी मुझे कभी ना कभी कवर करनी पड़ेगी। एनीवे, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और जाते जाते लड़कियों को ये कहती जाऊँ कि अगर दोस्ती करती हो तो उसको निभाओ भी, अगर नहीं निभा सकती तो मत करो, अपने वालदैन का नाम अच्छे से पढ़ लिख कर रोशन करो और मेरे प्राणों तंग ना करो। और जो लड़की इनसे अब दोबारा ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश कर रही है, खबरदार। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।